इस आवाज को तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बच्चे बच्चे ने इस आवाज को सुना है। आवाज सुनते ही ऐसा लगता है मानो कहीं जश्न का माहौल है, और यदि हम इस जश्न में शामिल नहीं भी हैं तो अन्यास ही हमारे हाथ पर थिरकने लगते हैं, क्योंकि यह आवाज है भारतीय बैंड की। जी हाँ, भारतीय बैंड परंपरा जो हमारे खून में समा गई है और हम उसे कहीं भी किसी भी वक्त सुनकर पहचान सकते हैं। वह परंपरा जिसे सुनकर हम बड़े हुए हैं, या ये कहें कि छोटे से बड़े और बड़े से बूढ़े हुए हैं। भारतीय बैंड की परंपराओं के बारे में तो हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि ये किस तरह खेला जाता है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इसके सफर की जानकारी होगी। हम में से बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि आज ये भारतीय संस्कृति लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। जो लोग इसमें काम करते थे उनके जीवन यापन का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने अपने जीवन के पिछले 60 साल इस भारतीय परंपरा को दे दिए। जी हाँ, जिसका नाम है आपका, हमारा, हम सबका प्यारा भारतीय बैंड। तो आइए, आज की कहानी के हमारे हीरो हैं रमेश भाई। जी हाँ, वही रमेश भाई जो पिछले 60 वर्षों से बैंड व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 12 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने शहनाई अपने हाथों में पकड़ ली थी, या फिर ये कहें कि शहनाई ने इन्हें पकड़ लिया था। और तब से लेकर आज तक उम्र के 72वें वसंत के आसपास होंगे, और इन्हीं से पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और ये आज इतने दुखी क्यों हैं? क्या वे जो गाने बजाते हैं बड़े कर्कश लगते हैं? लेकिन उत्तर भारत में कोई भी शादी एक बड़े पीतल बैंड के संगीत के बिना पूरी नहीं होती है। भड़कीली वर्दी पहने हुए संगीतकार उस जुलूस की शोभा यात्रा निकालते हैं जिसमें दूल्हे का परिवार इसी बैंड की धुनों पर तरह तरह से नाचता है, जहाँ दुल्हन का परिवार उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा होता है। ट्रेवर हर्बर्ट और हेलेन बार्लो ने अपनी पुस्तक संगीत और ब्रिटिश मिलिट्री 19वीं शताब्दी में लिखा, इन बैंडों को 1700 के दशक में ब्रिटिश द्वारा सैन्य बैंड के रूप में भारत लाया गया था। ब्रिटिश सैन्य बैंड एक महत्वपूर्ण उपकरण था जिसके माध्यम से भारतीय विषय प्रभावित हो सकते थे, और ब्रिटिश शासकों ने शाही उद्यम की ताकत और उद्देश्य का आश्वासन दिया। भारतीय राजाओं ने उन्हें ब्रिटिश अभिजात वर्ग के प्रतीक के रूप में देखा, उन्हें अपने स्वयं के समारोह के लिए संरक्षण देना शुरू कर दिया। लेकिन जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली तो इन राजाओं ने अपने राज्य खो दिए, और इन ब्रास बैंड ने भारतीय शादियों में दूल्हे के लिए नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों के संगीत के रूप में एक नई भूमिका निभाई। स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंडियन वेडिंग बैंड्स के अनुसार विवाह के लिए भारतीय विवाह बैंड बाजा, बाजा मोटे तौर पर संगीत वाद्य यंत्र का अनुवाद पर आधारित है। इस प्रवृत्ति ने जोर पकड़ लिया क्योंकि भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश परंपराओं का प्रभाव था। जैसे ही उपनिवेशवाद ने जड़ें ली, शादी से जुड़ी कई प्रथाएं जैसे कि रिसेप्शन या यहाँ तक कि शादी के निमंत्रण कार्ड को प्रिंट करने का अभ्यास भी भारतीयों में लोकप्रिय हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इंपीरियल सैन्य बैंड के कुछ संगीतकारों ने वाद्य यंत्रों का उपयोग करने पर भारतीयों को प्रशिक्षित किया था। बैंड में विभिन्न उपकरण को भारतीय विवाह में शामिल करने की परंपरा भी 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस अवधि में भारतीय विवाह के लिए बैंड को किराए पर देने की परंपरा बहुत अधिक प्रचलित हुई।
एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 10,000 से भी अधिक भारतीय विवाह बैंड भारत में उपलब्ध हैं। भारत में 10,000 से अधिक शादी के बैंड हैं। ये बैंड भारत में केवल 45 दिवसीय शादी के मौसम के लिए काम करते हैं और संगीतकारों को अक्सर शादी के मौसम के लिए कभी कभी ग्रामीण स्थानों से भी लाया जाता है। ग्राहक इनसे पारंपरिक संगीत वादकों के लिए भी पूछते हैं। यह समुदाय से समुदाय में भिन्न होता है। कभी कभी ग्राहक लोक संगीतकारों के साथ शादी के बैंड का भी आदेश देते हैं। हालांकि सभी शादियों में लोक संगीतकार नहीं होते, वर्तमान समय में पैसे बचाने के लिए खुद संगीत बजाने वाले परिवारों का एक नया चलन है। सस्ते पेन ड्राइव्स में MP4 में संगीत स्टोर करके बजाने का नया तरीके का चलन आ गया है। जो परिवार शादी के बैंड की बढ़ती कीमतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे संगीत वादकों की बनाई हुई धुन बजा रहे हैं। इन वर्षों में शादी के बैंड में कई बदलाव आए हैं। उनकी वर्दी अधिक ग्लैमरस हो गई है, जो सीक्वेंस, विस्तृत हेडड्रेस और बैंड वादकों द्वारा पहनी गई सादी वर्दी की तुलना में अधिक रंगीन है। अन्य सामान जैसे कि नियॉन रोशनी, फूलों की छतरियां, जो शादी की बारात के साथ होने लगी हैं, क्योंकि वे अक्सर अंधेरी सड़कों से गुजरते हैं, साथ ही इसे बारात की सजावट के साथ भी जोड़ा गया है। वेडिंग बैंड कंपनियों ने शादी के बैंड पैकेज के हिस्से के रूप में घोड़ों और रथों को प्रदान करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में वेडिंग बैंड नाटकीय रूप से विकसित हुए हैं। अब इनके पास थीम्स हैं। हर कंपनी अब 25 से ज्यादा थीम उपलब्ध कराती हैं। भारतीय बैंड बाजार में कीमतें पैकेज बढ़ी हैं, पर बैंड वादक की स्थिति ज्यों की त्यों है। बैंड की शुरुआती कीमत लगभग 20,000 से 40,000 रुपये है, लेकिन इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। शुरुआती पैकेज में एक घोड़ी, ढोल, लाइटिंग और लगभग 5 बैंड सदस्यों का एक मानक दल शामिल होता है। अब ग्राहक बैंड के लिए 100 लोग चाहते हैं। फूलों, पटाखों, फैंसी लाइटिंग, मशाल और सजावट के लिए 100 अन्य चीजों में बारात के लिए डेकोरेट की गई एक पुरानी बग्गी शामिल है। बेशक इन सब की लागत अधिक है। कीमत तय की जाती है ग्राहक के आवश्यकता के आधार पर। परंतु दुर्भाग्य है कि एक बैंड सदस्य अपने कौशल और प्रतिभा के आधार पर प्रति माह 10,000 रुपये से 16,000 रुपये के बीच ही बना पाता है। बैंड संगीतकारों को ज्यादातर भारतीय समाज के निचले तबके से देखा जाता है और उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। वास्तव में उनकी उपस्थिति को एक शादी के माहौल के दौरान पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह दूल्हे की पार्टी को इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से इंतजार करते हैं। अपने भारी भरकम वाद्य यंत्रों के साथ दूल्हे के परिवार के नशे में धुत सदस्यों को अच्छा डांस कराने के लिए 7 बॉलीवुड गानों पर मंथन करते हैं और देर रात अपने तंग अस्थाई आवास में वापस आ जाते हैं। डीजे की लोकप्रियता ने शादी के बैंड को किराए पर लेने की प्रथा को बाधित किया है। अधिक से अधिक परिवार शादी के खर्चों को बचाने के लिए फ्लैश ड्राइव से अपना संगीत चला रहे हैं। शादी के बैंड की सेवाएं देने वाली कंपनियां अब अन्य क्षेत्रों में विविधता लाने लगी हैं, जैसे कि बारात के लिए रंगीन छतरियों को किराए पर लेना और साथ ही दूल्हे को सवारी करने के लिए घोड़े। भारतीय बैंड स्वयं का महत्व खो रहा है। सरकार ने शादियों में होने वाले शोर और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें लिखा है कि रात 10 बजे के बाद बैंड बाजा नहीं बजा सकेंगे। बदलते वक्त की मार, डीजे से प्रतिस्पर्धा, लोगों की सोच में आता बदलाव से बैंड वालों की स्थिति और मुश्किल हो गई है। लेकिन हमें विश्वास है कि जैसे भंगड़ा ढोल पर ही नाचा जाता है, उसी तरह कुछ गाने, आज मेरे यार की शादी है, यह देश है वीर जवानों का, इन पर नृत्य सिर्फ बैंड के संगीत पर ही बजते रहेंगे और भारतीय बैंड सदा अमर रहेंगे।